हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले ओडीआई मैच के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच देख लेते हैं दोनों ही टीमों की टीम न्यूज को। तो स्टार्क फिट है और वे कल सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल है, हालांकि ये टीम डिसाइड करेगी कि कल का मैच वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। वहीं फिंच और डार्सी शॉट आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, क्रिस लिन उनके बाद बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, ट्रेविस हेड और विकेट कीपर एलेक्स कैरी, मैक्सवेल और स्टोनिस है आप ऑलराउंडर में, जो कि बल्ले और बॉल दोनों से ही काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके आपको पॉइंट दिला सकते हैं। वहीं बॉलिंग सेक्शन में आपको स्टार्क, कोंटर नीले, हेजलवुड या पेट कमिंस में भी कोई एक खेल सकता है। पिच जो है ये फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद करेगी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका दोनों ही फास्ट बॉलर पे ज़्यादा फोकस करेंगे और फास्ट बॉलर को ज़्यादा ही टीम में रखने का सोचेंगे। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम न्यूज़ की। तो मार्करम आपको और डी कॉक दोनों ही आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। वहीं रेजा हेंड्रिक्स वन डाउन आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके बाद फैफ डु प्लेसिस, फरहान और मिलर बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। क्रिस मॉरिस और फुलकेवायो दोनों ही ऑलराउंडर आपको खेलते हुए कल के मैच में नज़र आ जाएंगे। डी कॉक जो विकेट कीपर है साउथ अफ्रीका के, ये आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में साउथ अफ्रीका की, तो रबाडा, निगीडी, फुलकेवायो एंड मॉरिस जो कि फास्ट बॉलिंग पिच पे खेलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और ताहिर को कल साउथ अफ्रीका टीम में रख सकती है। तो देख लेते हैं अब अपनी ड्रीम इलेवन की टीम को। मैंने टीम पहले से ही एडिट करके रखा है, बस आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए क्विंटन डी कॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, हालांकि आप ग्रैंड लीग में एलेक्स कैरी के साथ जा सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बैट्समैन में, तो एरन फिंच, हालांकि इनका प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट दिला के दे सकते हैं। वहीं फाफ डु प्लेसिस साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। ट्रेविस हेड, इनका प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा चल रहा है। एडम मक्रम जो साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग में आ सकते, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है इनसे। आप चाहें तो यहां से डार्सी शॉट को भी ले सकते हैं बैट्समैन में, जो कि काफ़ी अच्छा आपको पॉइंट दिला सकते हैं। वहीं आपके लिए हेनरी क्लासेन और फरहान बैरुद्दीन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ग्रैंड लीग की टीम के लिए क्रिस लिन भी कल के मैच खेलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए टीम हो सकती है, क्रिस लिन को भी आप ले सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने ग्लेन मैक्सवेल और मार्क स्टोनिस को लिया है। आप चाहें तो यहाँ से क्रिस मॉरिस और एंड्री फ्लेकवायो में से ले सकते हैं। मैंने दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर को रखा है। आप चाहें तो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को भी एक एक रख सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो मैंने रबाडा जो साउथ अफ्रीका के काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, मैंने साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाडा को रखा है। और वहीं मैंने मिचेल स्टार्क थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, इसलिए मैंने मिचेल स्टार्क को टीम में नहीं रखा है। आप चाहे तो ग्रैंड लीग में मिचेल स्टार के साथ जा सकते हैं। इमरान ताहिर, ये आपको विकेट दिला सकते हैं, पर जो पिच होगी वो फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा मदद करेगी, इसलिए मैंने इसे देखते हुए इमरान ताहिर को ड्रॉप किया है। अगर आप लेना चाहते हैं इमरान ताहिर को तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मैं यहाँ फोर्स नहीं करूँगा। और जोस हेजलवुड और पेट कमिंस, मैंने दोनों ऑस्ट्रेलियन बॉलर को रखा है। और एक साउथ अफ्रीका के बॉलर लुंगिनी नगिडी को रखा, जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इधर से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।